हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम शीतला माता की पूजा के लिए थोड़े से चावल। और चावल बनाएंगे अच्छे तरीके से और गुड़ वाले चावल बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या, चावलों को अच्छे से धो लेना है। और ये पूरा चावल है, आप चाहे तो टुकड़ा भी ले सकते हो या साबुत भी ले सकते हो। इसमें डालेंगे 3 से 4 गिलास पानी और बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं एकदम क्या कहते हैं चावल वैसे बनाएंगे, घुटे हुए चावल जिसको बोलते, खिले हुए चावल नहीं बनाएंगे। तो गैस ऑन करेंगे, उसके बाद उस पर रख देंगे और इसमें हम डालेंगे मीठा यानी गुड़ की पेड़ियाँ डालेंगे। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो और चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हो। मैं ऐसे ही पेड़ियाँ डालूँगी और मैं इतना डालूँगा जिससे इसका कलर भी चेंज हो और खाने में इसकी अच्छे से मिठास आ जाए। तो धीरे धीरे करके इसको हम चलाएंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से उबलने देंगे, ठीक है। जब ये उबलने लगेगा तो गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा और इस प्रकार ये इतने स्वादिष्ट चावल बनके भी रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, ये शीतला माता का प्रसाद है, तो ये प्रसाद इस प्रकार बनाया जाता है। आप कैसे बनाते हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और ये उबल जाएंगे, उबलते उबलते जब सारा पानी सूख जाएगा, चावल गल जाएंगे, तो इसको हम ऐसे कैसे ढक के रख देंगे और सुबह पूजा के लिए इसको हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम उबालेंगे, जब तक ये चावल गलेंगे नहीं तब तक हम इसको उबालते रहेंगे। और उबलने के बाद ये बहुत अच्छे चावल बन के रेडी हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बन के रेडी हुए हैं। और इसको दही के साथ खाया जाता है। तो ये देखिए, ये चावल इस प्रकार बन के तैयार हुए हैं और ये सुबह सूखे चावल होते हैं, तो ये इस तरह का भोग भगवान माता को लगाया जाता है। और इसको गाँव में बासोड़ा भी बोला जाता है और बासी सामान से पूजी जाती है शीतला माता।